बन पाई और ना ही आज तक इस गांव में बिजली पहुंच पाई। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर इच्छा लगा रहूंगा और आप लोगों की मदद करता रहूंगा। जय हिंद। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हो भोला? अरे मास्टर जी, आजकल इलेक्शन में आपका बड़ा जोर चल रहा है। बस आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अपना सारा गांव आपको ही वोट देगा मास्टर जी। भगवान से प्रार्थना करना कि जीत सच्चाई की हो। जरूर मास्टर जी। अच्छा मास्टर जी, अच्छा मास्टर जी, जय राम जी की। मास्टर, तुम हमारे ठाकुर का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अपना नाम वापस ले लो। क्यों, घबरा गए सच्चाई से? टूट गए तुम्हारे जुल्म के पैर? चुप, तू हमारे पैरों की छोड़ मास्टर। अपनी गर्दन की सोच, बिना दफा 302 के ही लटक जाएगी। समझ गया? इलेक्शन के बाद मिलना शेरपा, फिर बात करेंगे। अच्छा, जयराम जी। कौन है? तुम? हाँ मैं। शेरपा ने तुम्हें हमारी तकलीफ तो बताई होगी। हाँ मास्टर, मेरे नाम के साथ टकराने वाले लोगों का जानते हो क्या होता है? क्या होता है? उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। शिवराम, पिछले 10 सालों से एमएलए की कुर्सी पर बैठकर गरीबों का बहुत खून पिया है तूने। बस बस सिर्फ इलेक्शन जीतने की देर है, फिर देखना तेरी शराफत के कपड़े कैसे फाड़ता हूं मैं। मेरे कपड़े फाड़ने से पहले उस मातम के बारे में सोच मास्टर, जो विधवा होने के बाद तेरी इस पत्नी को मनाना पड़ेगा, और उसके बाद उस मटकी के बारे में सोच जो तेरी अर्थी के साथ जाएगी और तेरे इस बेटे को फोड़नी पड़ेगी। वाह, धमकी देने का अंदाज बहुत अच्छा है मास्टर बाबू। समझ ले, धमकियां और चेतावनियां तेरी इस चौखट पर आज खत्म है। फिर भी यह फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। कल घर से निकलने से पहले इलेक्शन का टिकट वापस कर देना, वरना तुम्हारा काम लोगों को शिक्षा देना है, सियासत की कुर्सी संभालना तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए अभी वक्त है, तुम्हारा ये इलेक्शन का जो टिकट है ना, वापस कर दो। मेरे जीते जी तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा शिवराम। अच्छा, तो फिर हमारा ये ख्वाब तुम्हारे मरने के बाद पूरा कर लेते हैं। ए लौरे, गजब हो गया। क्या हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। कुत्ते, कमीनी, मेरे सुहाग के हत्यारे में मार डाला। अरे अरे, इंस्पेक्टर साहब, शुक्र है,
आप आ गए। देखिए इस पागल औरत को, पहले इसने अपने पति को मारा, मैंने रोका, तो मुझे मार कर रही है। कैसी है ये औरत? अरे शारदा, ये तूने क्या कर दिया शारदा? हाँ? अरे मेरे तुम्हारे साथ नाजायज ताल्लुकात तो थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने पति का खून कर दो। क्या क्या कहा शारदा? हमारे ताल्लुकात तो जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मिसेस शारदा, यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने अपने पति का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं खून किया, खून इस कमीने ने किया है। ये खूनी है इंस्पेक्टर साहब, ये खूनी है। ये क्या कर रही हो? कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में और खून मैंने किया है। मौका है वारदात पर कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पति के खून से भरी लाश, खूनी तुम हो, खून तुमने किया। चलो मेरे साथ, चलो। मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ, खूनी तो एक कमीना है इंस्पेक्टर साहब। अरे बस्ती वालों सुनो, ये तो उसी कुल्टा के नाजायज बच्चे हैं जिसने हमारे मास्टर जी को मार डाला। देखते क्या हो, मारो इन्हें, मारो। हे भगवान, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, हमारी माँ को पुलिस पकड़ के लेगी। अब हम क्या करें भगवान, अब हम क्या करें? चलो ऐसे भाग चलते, नहीं तो गांव में मार देंगे। तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम लोगों को क्या, हम कहाँ गए? ये बंबई है बंबई, यहाँ लोग ऐसे आ जाते हैं। चलो यहाँ से नीचे उतरो, चलो। बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आता हूँ। जल्दी आना भैया, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी आऊंगा। जरा ये सामान वहाँ तक पहुँचा दो। कौन टैक्सी वाला है? हम माल नहीं है। बहुत बहुत खाते हो यार। साहब साहब, ये भुजा मैं उठा लूँ। उठा लोगे? हाँ उठा लूंगा साहब। चलो मेरे साथ। हाँ शाबाश, यहाँ रख दो। कितने पैसे? साहब मेरी बहन बीमार है, उसके लिए दवा लानी, आप कुछ भी पैसे दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लो। हेलो, माल पहुंच गया। साहब साहब, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे बुखार की दवा दे दीजिए। ये लो। अरे बाकी के पैसे। अकेली बची इतनी रात यहाँ? बेचारी मुसीबत में लगती है। आओ देखते हैं। बेटी कौन हो तू? मैं गीता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मेरा भैया दवा लेने गया है। दवा? अरे इससे तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, ये तो बुखार में कप रही है। याद है हमारा भी एक बेटा था जो मेले में हमसे इसी तरह बिछड़ गया था। बेटी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पूजा की घंटी है। अरे ये तो सोने की लगती है, अगर किसी गुंडे ने देख लिया तो इससे ये घंटी भी छीन लेगा और इसे लूला लंगड़ा बनाकर भीख भी मंगवाएगा। बेटी तुम हमारे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा भैया आने वाला है। तुम्हारा भैया आने वाला है? बेटी क्या तुम्हारा भैया पढ़ा लिखा है? हाँ चौथी पास है। बेटी तुझे बहुत सख्त बुखार हो रहा है, हम तेरे भैया के लिए पता लिख देते हैं और वो पता पढ़ के तुझसे मिलने के लिए आ जाएगा। हाँ चल।
आओ। बहना, मैं तेरी दवाई लेकर आ रहा हूं। अरे बेटे, बहना, अरे बेटे, मेरी बहन का है, बोल ना भगवान, मेरी बहन का है। ये नहीं बोलेगा बेटा, कभी नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। इंसान बोलते बोलते खामोश हो जाता है, पर ये नहीं बोलता, ये तो सिर्फ देखता है। मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई बाबा। बेटे, यहां सब बिछड़ने के लिए ही तो आते हैं। कोख से बिछड़कर जिंदगी मिलती है, जिंदगी से बिछड़कर मौत, और जब मौत आती है तो शरीर आत्मा का साथ छोड़ देता है, बिछड़ जाता है। बाबा, ये सब तकदीर के खेल हैं बेटे, खेलने दे उसे, खूब अच्छी तरह जी भर कर खेलने दे। जब खेलते खेलते उसका जी भर जाएगा तो तुझे तेरी बहन वापस मिल जाएगी। आ, आ मेरे साथ। तो मैं हूं। फिर वही अत्याचार, वही झगड़ा, वही फसाद। बस्ती में इतने मर्द हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? अरे तेरा पति तो गुंडा मवाली है, उसे सुधारने के लिए एक ही लाठी काफी है, और वो है शंकर। चंदा भाई, अब तू मेरी और मैं तेरा, ये कोठा मेरा घर है और तू मेरी घरवाली। कौन है बे तू? मजबूरों का दोस्त, जालिमों का दुश्मन, शंकर। चल बढ़ जा यहां से। ये क्या है?
तुम जैसों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। मैं इन अस्पतालों में खाट पहले से ही बुक करवा देता हूँ। अबे तू मुझे अस्पताल पहुंचाएगा? रास्ते तो सिर्फ दो ही हैं, घर का या अस्पताल का। बोल तुझे कहाँ जाना है? बताता हूँ। अब तो तेरे लिए स्पेशल वार्ड ही बुक करना पड़ेगा। मैंने तेरे आंख जुबान और हाथ को कोई चोट नहीं आने दी, जानता क्यों? ताकि अपनी आंख से अपनी पत्नी को पहचान सके, अपनी जुबान से उससे माफी मांग सके और इन हाथों से उसे ये मंगलसूत्र पहना सके। पहनाएगा ना? हाँ, हाँ, हाँ। शाबाश, आइए। शंकर, ये तुमने क्या किया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। शायद मेरी यही सजा थी। तो पहना मंगलसूत्र। मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कमाल है, आज फिर ढाबा खा लिया। लगता है आज भी शालू की मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है, रोमांस का डेट है। हाय शंकर। तुम? हाँ, मैं कॉलेज से आ रही थी और तुम्हारी ये ढाबे वाली कार वाले के साथ जा रही थी। मैं समझ गई कि ढाबा भी खाली होगा और शंकर भी। देख 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 किरण, तू ऐसे बार बार नो एंट्री में एंट्री मारेगी ना, वन वे को टू वे बनाएगी ना, बहुत लफड़ा हो जाएगा, बोलता हूँ। अरे प्यार मोहब्बत में लफड़ा तो होता ही है, करने का क्यों? हीर का रांझा से हुआ था, लैला का मजनू से हुआ था, जूलियट का रोमियो से हुआ था, मेरी रोमियो। देख देख किरण, मजनू को बहुत पत्थर पड़े थे, रोमियो की खाट खड़ी होती और वो बेचारा रांझा अभी तक रेगिस्तान में घूम रहा, और अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया ना, मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अरे दिल में घुसने के बाद तेरे को बाहर निकलने की जरूरत क्या है? अरे छोड़, तू तो गोंद की तरह चिटकती जा रही है। और क्या करूं, तू ही तो बोलता था मैं तेरे प्यार का पोस्टर हूँ, तेरे मीटर हूँ, तू फिर लैंडिंग करने से घबराता क्यों है? उतरने देना। देख किरण, नो चुम्मा, नो नो। शारदा बहन, जब भी तुम्हें चक्की पीसते हुए देखता हूं तो लगता है इसमें कानून पिस रहा है। जेलर साहब, मैं तो इतना ही जानती हूं, सजा की इस चक्की में मेरे जीवन के 14 साल पिस चुके हैं और तकदीर के चक्की में मेरे बच्चे। शंकर भैया, डिसूजा को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हम अदालत के काले कोर्ट में बिजी हैं और हमारी ये बेटी अस्पताल के सफेद कोर्ट में बिजी है। डैडी, इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है भाई, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही हो, मगर बेटे
इतना भी बिजी रहना नहीं चाहिए कि हमारी तरफ एक आंख उठाकर भी ना देख पाओ। डैडी, मैं आपसे शाम को बात करूंगी। सलाम वकील साहब। सलाम शंकर, कैसे हो? भाई शंकर, ये मेरी बेटी है, आंखों की डॉक्टरी का कोर्स कर रही है। कहो तो तुम्हारी आंखें भी साफ करवा दूं। अरे वकील साहब, हम गरीब तो रो रो कर रोज अपनी आंखें साफ कर लेते, फिलहाल डिसूजा जेल पाकू के पीछे रो रहा है। अरे भाई, उसी की जमानत के लिए तो जा रहा हूँ। वकील साहब जल्दी कीजिए, वरना वो लोग डिसूजा को मार मार कर खलास कर देंगे। बोल, देगा विश्वराज के खिलाफ गवाही? देगा? स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम लोग? देखा वकील साहब क्या हालत बना रखी मेरे दोस्त डिसूजा की? अरे साले तेरी तो काबू रखो शंकर, इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी। इन्हें ऐसा कानूनी सबक सिखाऊंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। डिसूजा, ए डिसूजा, मेरे भाई, ये तेरी क्या हालत कर दी? लेकिन शंकर, शंकर, अपन ने अपना बयान नहीं बदलेला शंकर। हमारी बस्ती से वोट की भीख मांगने वाले हैं, गरीबी नहीं, गरीब को मिटाने वाले हैं। गरीबों के हमदर्दी पर अमीर बनने वाले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर, शंकर, नहीं वकील साहब, नहीं, इन्हें एक एक को निपट लूंगा मैं। शंकर बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। मैं डिसूजा की हालत देख चुका हूं। इंस्पेक्टर खन्ना, मैं तुम पर दफा 111 के तहत मुकदमा दायर करूंगा, तब ना तुम्हारी ये वर्दी रहेगी और ना ही जुल्म करने वाले ये हाथ रहेंगे। डिसूजा, मैं तुम्हारी रिहाई के लिए मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर्स ले आया हूं, तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम्हें अपना बयान बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस शहर में जुर्म और पाप का राज चलाने वाले काले कर्मों के राजा हैं हम, मगर हमारी इस हुकूमत में एक बागी पैदा हो गया। हमारी इस राज गद्दी पर कारी मोहर लगाकर हम सबकी कलाइयों में हथकड़ियां पहनाने का ख्वाब लिए जी रहा है। अगर हम उसकी आंखों से नींद छीन लें तो उसके ख्वाब तो मर ही जाएंगे, मगर हमें उसके ख्वाबों को नहीं, उसके बेबाक निडर जिस्म को भी मारना। ये है उस हरामजादे की तस्वीर। जब से शहर में आया है, हमारे खिलाफ कानूनी जाल बुनता ही जा रहा है। हमारे जुए खाने, शराब खाने, हमारे ड्रग्स के गोडाउन, हमारे ग्राहकों के प्राइवेट टेलीफोन नंबर्स, एड्रेस, तमाम सबूत उसने हासिल कर लिए हैं। इसका जीना, हम सबका जीना हराम करता रहेगा। तुम दोनों में से जो भी उसकी तस्वीर को हार चढ़ा देगा, हम उसकी तकदीर को नोटों के इतने हार चढ़ाएंगे जो आज तक किसी भगवान ने फूलों के ना पहने हो। यह अफसर नाम का कैंसर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। Now go and finish him. Go! बचाओ! बचाओ! नहीं, छोड़ो मुझे! Oh, नहीं! छोड़ो! बचाओ! बचाओ! नहीं, छोड़ दो मुझे! पकड़ लो इसको। कहां भागता है? कौन है तुम लोग? हैं? जीना चाहता है तो बता। वो बैग तूने कहां रखा है जिसमें हमारे बॉस के खिलाफ सबूत है? बोल। मैं जान दे दूंगा, मगर तुम्हारे खिलाफ जमा किए हुए सबूत नहीं दूंगा। अरे तू ही जब मर जाएगा तो सबूतों का क्या करेगा? घबराओ मत, एक ऑफिसर और भी है जो तुम लोगों के पीछे साई की तरह लगा हुआ है, और वो तुम्हें कानून तक जरूर पहुंचाएगा। तो अभी मैं तुझे भगवान के पास पहुंचा देता हूं। कौन है तू? शंकर, तुम जैसे मुर्दों को मारकर मैं अपना नाम क्यों खराब करूं? इसलिए तुम लोगों के लिए छींक मार मार कर जीने वाली
मेरी स्पेशल किस्म की स्पेशल मारी काफी है, जो चढ़ती है नाक में और लगती है दिमाग में। अरे साहब, उनकी तो पूरी रात छींकने में चली जाएगी। अब आप मुझे तो लिफ्ट दे दीजिए। लिफ्ट मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम चीज क्या हो? जब भी मेरी जान खतरे में होती है तुम कहीं ना कहीं से टपक पड़ते हो। जो भी मैं हूं आप ही का हूं, आपका होने वाला। शट अप, तुम तो मुझे कोई गुंडे मावाली आवारा लगते हो। साहब आवारा तो हूं लेकिन कुवारा भी, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहूंगा, बस आपकी दया चाहिए। क्या मतलब? मतलब मैं आपका होने वाला वो। क्या होने वाला तुम? वही वही। क्या मतलब? अगर तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो इस मजाक का जवाब मैं तुम्हें देता। आप तो खामखा भड़क जाते, जरा ठंडी दिमाग से सोचिए। शराब कमाल है, पहले तो जान बचाओ ऊपर से डांटी खाओ, लेकिन क्या करें, अपना तो होने वाला ससुर है ना, पर बुड्ढे को पता ही नहीं। यार किरण बहुत गड़बड़ है, तुम्हारा बाप मुझे देखकर ऐसे भड़कता है जैसे किसी ने आग में पेट्रोल छिड़क दिया हो। देखो शंकर, मेरे बाप को बीच में लाओगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे बीच में क्या, मैं तो हमेशा उन्हें साइड में रखने की कोशिश करता हूँ, और वो है कि हमेशा सेंटर में घुसते जाते हैं। पहले फुटबॉल प्लेयर थे। क्या मतलब? मतलब सेंटर में खेलते होंगे इसलिए सेंटर में आने की आदत हो गई उन्हें, यानी के बीच में। देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुम और खुदकुशी? हाँ हाँ मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी करने के लिए मर्दानगी चाहिए, मर्दानगी। ओहो, तो तुम्हें अभी से हमारी मर्दानगी पर शक आने लगा है? अरे जा जा, पहले मर्द बन के दिखा। मर्द बन के दिखाऊं? अगर खुदकुशी आदमी को मर्द बना देती है तो मैं अभी खुदकुशी करके आता हूँ, देखना देखना। रोना नहीं है। देख के मैं कूद कर अपनी जान दे दूंगा। हाँ हाँ जा ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तेरे को चांस देता हूँ, मैं तीन तक गिनता हूँ फिर मैं सचमुच कूद कर अपनी जान दे दूंगा। एक, देख किरण कहीं मेरा पांव फिसल कर मैं सचमुच गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। दो, ऊपर जाके भी फोन करूंगा तुझे, बाय बाय टाटा। तीन, ये जख्म, ये दाग, ये निशान तुम्हारे शरीर पे नहीं मेरे शरीर पे बना है उस अफसर विजय शर्मा ने, क्योंकि तुम दोनों बहुत कमजोर निकले। और जिन कश्तियों में सुराख हो जाते हैं हम उनमें बैठ के जुर्म के समंदर में नहीं थे। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो साहब, एक मौका और दे दो। हमारी दुनिया में पहला मौका ही आखिरी मौका होता है, चाहे जीने का हो चाहे मरने का। जीने का मौका तो तुम लोग खो चुके हो, अब कम से कम मरने का मौका तो ना खो। बेटे, उस अफसर विजय शर्मा ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। डैडी, कब्र उसने हमारे लिए खो दी है, मगर उसमें दफनाएंगे उसे हम। लेकिन सबसे पहले हमें उन कागजात का वो बैग हासिल करना है जिसमें हमारी जुर्म की दुनिया की हर डायरी हर नंबर मौजूद है। पता लगाना है कि अफसर ने वो सबूत रखे कहां है। गुड मॉर्निंग डैडी। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मगर ये क्या, कितने दिन हो गए इस ऑफिसर की अपनी बेटी से मुलाकात ही नहीं होती। इस बेटे के जो डैडी है ना, वो तो एक बहुत बड़ा सीबीआई ऑफिसर है जिनका हमसे ज्यादा गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है लुटेरे देशद्रोही खूनियों के साथ। किरण, ये क्या कह रही हो बेटी? और नहीं तो क्या कहूँ, जानते हैं आज डेढ़ महीने के बाद अपने पापा की शक्ल देखना नसीब हुई है। अरे शुक्र हो कि तुमने डेढ़ महीने बाद मेरी शक्ल तो देख ली, यहाँ तो कई कई महीने गुजर जाते हैं हम खुद अपनी शक्ल नहीं देख पाते। हाँ, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा है ना, जिस स्टेट में जाते हैं जुर्म और पाप का जीना मुश्किल कर देते हैं और साथ में अपने घर वालों को भी नहीं मिलते। बेटे, फर्ज को निभाते हुए जीना ही हमारे जीवन का कर्ज है, मुजरिमों और पापियों का अंत करना हमारा शौक, और आजकल
बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड किंग मिस्टर डबल एक्स को अपने कानून के जाल में चकरने के लिए मैं अपना जाल बिछा रहा हूं। डैडी, आप ऐसे खतरनाक और खूंखार मुजरिमों से मुकाबला करते रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? मेरा डर तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारी मां डबल एक्स की गोलियों का शिकार हुई और तुम्हारी बुआ अपाहिज। अब मुझे इंतजार है उस मिस्टर डबल एक्स का, जब हिंदुस्तान आएगा तो सही, मगर तुम्हारी मां और बुआ के बहे हुए खून के एक एक कतरे का हिसाब दिए बिना जाएगा नहीं, और जहां जाएगा वहां सिर्फ फांसी का फंदा होगा। ओहो, हम वर्दी वाले भी कमाल होते हैं, कानून की बात करते समय यह भी भूल जाते हैं कि हम किसी अफसर से बात कर रहे हैं या अपनी बेटी से। हैं? अरे ये क्या? डैडी, आपकी बातों में मां की यादें छुपी थी ना, इसलिए पलकों के पीछे छुपे आंसू भी बाहर निकल आए। ना बेटे, आंसू नहीं, तुम्हारी मां एक देशभक्त औरत थी, उसके आत्मा को दुख होगा, आंसू पहुंचो, मुस्कुराओ। अरे अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बैडमिंटन कॉम्पिटिशन क्या हुआ, क्या मुकाम रहा तुम्हारा उसमें? अरे वाह, वंडरफुल, मुबारक हो। है हम कानून की दुनिया में नंबर वन और तुम खेल कूद के मैदान में नंबर वन। है सर, कैसा लगा हमारा ये चक्रव्यूह? सत्ययुग में अभिमन्यु फंसा था और कलयुग में तू। बोल, हमारे खिलाफ इकट्ठे किए हुए तमाम वीडियो कैसेट्स, वो तस्वीरें और हमारे खास खास आदमियों के एड्रेस कहाँ है? बोल आइए। यो अबे कौन है तू? मैं नीचे आया हूँ। अब म्युनिसिपैलिटी का आदमी है साहब, पहला गली में कुत्ता पकड़ता था, अभी यहाँ आया। क्या मतलब? हमको कंप्लेंट मिला रहे हैं कि इस गोडाउन में मच्छर, कटबल और पीसू है रे। रोड नंबर 17 के गोडाउन में बहुत खतरा है, यहाँ 10-12 छोटा छोटा चूहा और एक मोटा मोटा आग वाला काला घुस घुस गया रे। इसीलिए हम उसके पीछे मशीन लेके घुस गया रे। अबे हम मशीन से दुआ चलाएगा, सबको सुलाएगा, जिसका मरने का नंबर पहला आएगा वो अपना कार्ड उठा के सीधा म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में भागेगा रे। अबे ओए, म्युनिसिपैलिटी की औलाद, दबाओ। माल यहां से लेकर चलो, वो ऑफिसर ने देख लिया है, जल्दी खड़े क्यों हरामजादा, चलो। अरे भाई तुम हो कौन, हमेशा मेरी जान बचाने चले आते हो, करते क्या हो? अरे भाई आवारा 420 जो करता रहता हूँ, 19-20। नीचे उतरो। अरे मगर साहब मैं कहता हूँ नीचे उतरो जीप से।
देखो साहब, अपन इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट की तरह नहीं है जो लेट आती है, अपन हमेशा टाइम पर आता है। देखो आपको कभी, अरे साहब दोस्ती का हाथ तो पकड़ लो। बेटी ने तो सब कुछ पकड़ लिया लेकिन बूढ़ा बाप हाथ तक पकड़ने के लिए तैयार नहीं। पीछे लो, पीछे पीछे गाड़ी पीछे ले जल्दी। तुम्हारी तलवारें लोहे की हैं, तो मेरे हाथ भी फौलाद के हैं। जो विष्णु का शिकार करके हमारे कदमों में डाल देगा। कौन कौन है ये? गरीबों की बस्ती में पलने वाला गरीबी का एक जहरीला कीड़ा है ये। बेटे, एक तरफ ऑफिसर विजय शर्मा है और दूसरी तरफ विष्णु। कानून के उस ढेर में बारूद हम बाद में लगाएंगे, पहले इस विष्णु नाम के बारूद को जला दें। मगर क्या ये विष्णु को? डैडी, जिस तरह काली माँ के चरणों में बलि चढ़ाने वाले भक्त को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बलि के जानवर को हाथ पैर बांध के लाया जाता, ठीक उसी तरह विष्णु नाम के जानवर को बांध के लाने का काम इसका। हमें तो सिर्फ बलि की तलवार उठाकर गर्दन काटना है, बस। तो फिर जाओ और जाकर खरीद लो इस बिकने वाले मिट्टी के पुतले को। अरे ओ शालू, खाना जल्दी ला, मेरे पेट में चूहे भांगड़ा कर रहे हैं। वाह, मेरी आवाज सुनती है तो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और अगर अभी उसका हॉर्न सुनाई दे तो। बाबूजी, देखा, इसे कहते हैं इश्क मोहब्बत। अबे ओ बेवड़ा, तूने कभी किसी से इश्क किया? इश्क? जरूर किसी बोतल से किया होगा, साले कहाँ से मिल जाते ब्योड़े। शालो, आप आ गए बाबूजी। हाँ, दुनिया हमारी दौलत के पीछे और हम तुम्हारे पीछे।
लो आ गई और एक हिलेली पार्टी। अरे वाह, ये आए हेलो भी नहीं बोले और चले गए पर्दे के पीछे। डाल दे ना। अरे डाल दे। अबे कहाँ डाल, हाँ मुंह में नहीं नहीं दाल फ्राई, दाल फ्राई। अच्छा अच्छा, खाने की दाल। अरे ओ शालू, डाल दे। अरे डाल दे। अबे बेवड़े, और एक बार डाल डाल का ना तो मार मार के तेरा गाल लाल लाल कर दूंगा, समझे। ये काम चालू करेगी खाना खाने के बाद जब मैं पैसे नहीं दूंगा ना। अबे तेरे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं। तूने क्या ऐसे बेवड़ों की धर्मशाला समझ रखी है? ये है उस कमीने की तस्वीर। कीमत जो तुम बोलो, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। दुश्मनी की वजह? हर दो नंबर वाला दूसरे दो नंबर वाले का दुश्मन होता है। मतलब तुम भी सरकार के दुश्मन हो और ये भी, यानी कि गोली मैं तुम पर चलाऊं इस पर सजा तो मुझे मिलेगी नहीं। मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। ए रामू इधर आ यार। क्या है? अरे चिकन वाले को बोल जल्दी देकर जाए। अच्छा। और ये भी मुझे जिंदा चाहिए मेरी बाहों में। ये बस्ती देखते हो आप, उनकी बस्ती और ये छोकरी भी अपन की बस्ती की है। सेठ हम गरीबों के पास इज्जत के सिवा और कोई दौलत नहीं होती, उसी के सारे हम जीते हैं। आप यहाँ इज्जत से आए हो, उसी इज्जत से लौट जाओ, क्योंकि शंकर ऐसी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात हमें समझ में आई। परसों मिलना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन नीरज, जो बात मेरे दिमाग में आई तुझे बाद में समझ में आएगी। ओ भाई, ओ ओ भाई, सुनाई नहीं देता क्या? गाड़ी एक साइड करो, कहीं ठुक गई तो बेकार में पछताओगे। ओ बड़ा इंतजार करवाया तूने। मैंने? ये फोटो तेरी है ना? ये फोटो तो मेरी है, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? कोई मुझे पैसे दे रहा तेरे जैसे को उस तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको कोई एतराज ना हो, मैं आपको लेके चलू। हाँ चलो चलो। अबे हॉट। अरे काय को टाइम खोटी करता है यार। देख वैसे भी ये पैसे मेरे लिए नहीं, वो क्या ना कि अपने बस्ती में बहुत भूखे लोग खड़े लाइन में, उनको जाकर ये पैसे दूंगा उनका पेट भर जाएगा, तो उनके लिए चलना। अच्छा आ जा, डरता क्यों? अरे तेरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। देख अच्छे बच्चे जिद करते हैं। बड़ी जोर से मारता है यार, लगता है शंकर को तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। हाँ ठीक है ना, अब आ जा, चल चल। अब मैं नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। चल उठ, चल उठ। साले पुलिस आ रही, अब तो चल। अरे तू क्या ले जाएगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। ठीक है फिर मिलेंगे। आओ सेठ आओ आओ। टेंटर बोलो, वो आदमी तुम्हें मिला फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं सके? अरे सेठ कभी कभार चालाक चीता शिकारी की गोली लगने के बाद भी बच निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि चीते को मौत नहीं आती, शिकारी तो शिकार करके ही रहेगा, चाहे वो शहर की सड़कों में छिप जाए या पहाड़ों के जंगलों में। हाँ
हाय, कौन था वो? कौन? वही जो हमारी कार ले गया। ओ भैया, वो तो मेरा दोस्त है। ये कौन सा दोस्त है भाई, कहाँ रहता है ये? मेरे दिल में। भैया ये वही है जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ, आज यहाँ कल वहाँ परसों न जाने कहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारी गाड़ी वापस करने कब आएगा? कार वापस करने वो यहाँ नहीं आएगा, कल सीधा सर्विस सेंटर पहुँचा देगा। अरे ओ मदर इंडिया, बस्ती के लोगों को भूखा छोड़कर कहाँ जा रही है? आज अब उनकी मोहब्बत का अपॉइंटमेंट है। देख देख देख, तू गरीब लड़की है, कहीं लफड़ा वफड़ा हो गया तो हॉस्पिटल। लफड़ा? रोमांस भी लफड़ा काहे का? अरे रोमांस में ही तो लफड़ा होता है। ये रोमांस जो है ना, लाइफ का सबसे खतरनाक आइटम होता है, इसमें एक्सीडेंट होने का 100% 100% चांस होता है। घबराओ मत, अपुन गाड़ी सिग्नल देख कर चलाएगा। तुम? हाँ। आज मेरे प्यार की डेट है, मोहब्बत का अपॉइंटमेंट। अभी यहाँ नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। देख आज ढाबा भी खाली है, दिल की खोली भी खाली है, तू भी खाली है, मैं भी खाली हूँ, तो घुस जाना। किधर? मोहब्बत की खोली में। एक मिनट, आजकल क्या रोमांस का सीजन चल रहा है? क्यों? जिसको देखो रोमांस के मूड में होता है। तो तू भी आ जाना। अरे वाह, अपुन को बोलता है रोमांस पे गड़बड़ होने का चांस होता है, और अपुन के ढाबे पर ही चांस लेता है। वो क्या क्या क्या? मैं क्या? अरे खाली भोकुट, अपुन लव पॉइंट से तुम्हारी बात पर ध्यान देकर ढाबे के पॉइंट पर वापस आ गया, ये देखो। चलो बाबूजी। काश मैंने भी दारू पी होती। एक, दो, तीन, चार, तेरी तो। अरे काहे को इतनी पीता है, जो नशा ही नहीं उतरता। जब से उस ढाबे वाली को देखा है, उसके शबाब के बगैर ये शराब पानी की तरह लगती है, समझ गए ना? हाँ बॉस, समझ गया। आज की रात वो ढाबे वाली आपकी आगोश में होगी। ढाबे वाली। ले चलो इसे। छोड़ दो, छोड़ दो। कहाँ भाग रहे थे बुलबुल? तेरी तो। तू और ये क्या? अस्पताल के कार्ड। अस्पताल तो इन हाथों से, अब मैं तुझे पहुंचाऊंगा। हाथों से नहीं, क्योंकि बात अब हाथों की नहीं लातों की है। शंकर, बाबूजी,
सेठ जी, सेठ जी, देखिए छोटे साहब को क्या हो गया, जल्दी आइए। अबे चिल्ला मत, बहुत बेवड़े में सोने दे से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल, राहुल बेटे, राहुल क्या हुआ मेरे बेटे को, किसने मारा इसे? मारने वाले से तो मैंने बचा लिया सेठ, अब आप इसे शराब के नशे से बचाओ, वरना शराब और दौलत का नशा मार डालेगा इसे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दौलत को नहीं, औलाद को संभालिए सेठ, क्योंकि बिना माँ बाप के औलाद बिल्कुल वैसी होती है जैसे बिना छत के मकान, जो धूप में चलता है बरसात में भीगता है। राजो बंसे। जी सर। साहब राहुल को इसके बेडरूम में ले जाओ। अच्छा साहब। तुम राहुल के दोस्त हो? दोस्त तो शंकर, हर गरीब हर मजबूर का सेठ। तुम करते क्या हो? दुनिया की परेशानी दूर करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैं। छोटी मोटी सी मारधार की दुकान है मेरी, उसके साथ रेट भी है। एक झटके का 25 रुपया, तो एक फटके का 30 रुपया। उसके साथ आपको स्पेशल आइटम भी मिलते हैं, जैसे कि नली उखाड़, धोबी पछाड़, हड्डी तोड़, गर्दन मरोड़, खोपड़ी फोड़, और वो कानफटी भी मिलता है सेठ। महीने के 5-6 बकरे तो फंसे जाते हैं। नहीं बदलोगे? नहीं, नहीं बदलेगा। हेलो क्या? मैं अभी आता हूं। तुम? हाँ मैं। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। गुड मॉर्निंग वकील साहब। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर, आओ। साहब, मेरे दोस्त डिसूजा को आपने जेल से तो छुड़ा दिया, लेकिन दुश्मनों के पंजों से नहीं छुड़ा सके, मार डाला सालों ने। शंकर, मुझे बहुत अफसोस है, उसकी मौत कैसे हुई, कातिल कौन है, कुछ पता नहीं चला। साहब, डिसूजा की बहन से उसका भाई छीन गया, बस यही दुख बर्दाश्त नहीं होता। शंकर, दुख एक ऐसी चीज है, उसे जितना महसूस करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इतनी सारी राखियां? हाँ, कर्जा है किसी की कलाई का, जो मैंने संभाल कर रखा है। जब मेरा भैया आएगा ना, तो ये सारी राखियां मैं उसकी कलाई पे बांधूंगी। बहना, कलाई तो मेरी भी कई सालों से सुनी पड़ी है, ना जाने उस भाई की किस्मत में कितनी राखियां लिखी है, लेकिन मेरी इस कलाई पर एक राखी बांधो। कहती है कि तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं, फिर मेरे जीवन में एक कैसा अंधकार है जो खत्म ही नहीं होता, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें खो गए मेरे अपने, मां की ममता, बहन का प्यार, मेरे जीवन का हर सुख दफन हो गया, मेरी जिंदगी को मेरी कंधों पर एक चलती फिरती लाश बना दिए तूने। क्या कसूर था मेरा बोल, लौटा सकता तू मुझे मेरी मां, दे सकता तू मुझे मेरी बहन, बोल। तू खामोश क्यों है? अरे जब हमारा घर उजड़ गया था तब भी तू खामोश था,
जब मेरी बहन बिछड़ गई तब भी तू खामोश था और आज भी तू खामोश है और हमेशा खामोश रहेगा, क्योंकि तू भगवान नहीं पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है तू, जिसमें ना जान है ना जज्बात है और ना ही किसी के दर्द को समझने का जज्बा। झूठ बोलती है दुनिया कि तूने संसार का जहर पी लिया था। अरे अगर तूने संसार का जहर पी लिया तो मेरी जिंदगी में यह जहर कैसे लग गया? बोल बोल, कहाँ जा रहे हो विष्णु? अपनी माँ से मिलने। माँ? कहाँ है तुम्हारी माँ? सेंट्रल जेल में। क्या, तुम्हारी माँ जेल में? हाँ प्रिया, वो मेरी मुंह बोली माँ है। उसने मुझे जन्म नहीं दिया, जिंदगी दी है। वो कैसे? कई साल पहले मैं अपने एक दोस्त से सेंट्रल जेल मिलने गया था तो पता चला कि वो लेडीज के सेक्शन में है। तो मैं उससे मिलने लेडीज के सेक्शन में बढ़ी रहा था कि मेरे पैर अचानक बिजली के तारों में उलझ गए और मैं बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया। उस वक्त इस औरत ने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। बस तब से ये मेरी माँ है। मेरे प्यार को बचाने वाली देवी से मैं भी मिलना चाहती हूँ। चलो आओ आओ विष्णु, आ गए अपनी मुंह बोली माँ से मिलने। जेलर साहब, ये विष्णु अगर भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी की पूजा करता है तो वो अपनी माँ की। और ये विष्णु। माँ। विष्णु। माँ। जी तेरे। कैसी है तू माँ? तेरे इंतजार में माँ का हर दिन बड़े आराम से गुजर जाता है। क्या करूँ माँ, इतने सारे काम है कि उन्हीं में उलझा रहता हूँ। ये कौन है? माँ ये वो बहुत सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। नाम भी तुम्हारी तरह सुंदर है। खुश रहो। माँ, माँ तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। जिस दिन तू इस सजा की दुनिया से बाहर निकलेगी ना, तू प्रिया और मैं एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेंगे, एक छोटा सा घर। हाँ बेटे। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये मत पूछो, ये बताओ मेरे दिए हुए नए नए जख्मों का ताजा ताजा दर्द क्या बोल रहा है? कौन तुम? आपकी टेबल पर बिखरी हुई आपकी तमाम दौलत को अपनी जेब समझकर टटोलने वाला विष्णु। याद रखना, जिस दिन नजर आओगे ना उस दिन तुम्हारी जिंदगी को समेट कर मौत की चादर में लपेट दूंगा। दुश्मनों के कफन बेचने वाले को मौत का नाम लेकर नहीं डराते। अगर मौत से पंजा लड़ाने का इतना ही शौक है तुम्हें तो अपनी जिंदगी लिए तुम्हारे ही घर की छांव में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या, मेरे घर में? हाँ, तुम्हारे ही घर में, क्योंकि हमने हमेशा अपने दुश्मनों को उन्हीं के घर में जाकर मारा है। अगर कोई शक हो तो नीचे आकर देख लो। हा? मेरे घर में? तुमने यहां आकर अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है, मगर तुम मुझसे हाथ मिलाकर अपनी अक्लमंदी का सबूत दे दो और अपने बिजनेस को तबाह होने से बचा लो। खामोश, हमारी इस पिस्तौल से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे पिस्तौल तो तब चलेगी जब इसमें गोलियां होंगी, यकीन नहीं आता ना तो चेक करके देख लो। देख लो, देखो। बहुत ही अच्छा जाल बिछाया था तुमने। ये जाल नहीं, तुम्हारे दिमाग का इम्तिहान था और अब मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूंगा। अगर तुम्हें पसीना आ गया तो तुम हार गए और अगर नहीं आया तो जीत गए। विश्वराज साहब, एक इम्तिहान आपने लिया था और एक मैंने, हिसाब बराबर।
अब मिला लीजिए हाथ। विष्णु, हमारा दुश्मन यह है सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा। मैं आपको यह बताने आया हूं कि मैं हर कदम पर खतरा बनकर आगे बढ़ता जा रहा हूं, कानून से भी बचता जा रहा हूं और मुजरिमों से भी। और बहुत जल्द तुम जुर्म की दुनिया के बादशाह बन जाओगे। यस सर, मगर ताज पहनने वाला बादशाह नहीं, मुजरिमों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने वाला सिपाही। वो नहीं जानते कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं जो जहर की तरह उनकी जड़ों में घुसता चला जा रहा है। वेल डन माय बॉय, मुझे फक्र है कि तुम उस गैंग में शामिल हो गए हो। सर, उस गैंग में विष्णु नहीं, चलता हुआ बारूद घुसा है। देखना आग कैसे लगती है, धमाके कैसे होते हैं, और वो पाप की काली दुनिया चलकर शमशान घाट कैसे बनती है। अरे किरण, इतनी सुबह सुबह आओ आओ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ काश मैं तुम्हारे हाथों की सौसर होती, काश मैं तुम्हारे होठों से लगने वाला प्याला होती। ये क्या हो गया तुम्हें? शंकर, उस दिन उन लोगों को नींबू चाटता देखकर मेरा भी मन चाह रहा है कि मैं तेरे साथ बैठकर नींबू चाटू, खट्टी खट्टी कैरी खाओ, कच्चा आंवला खाओ, हरी हरी इमली चबाओ। अरे बंद कर तेरी ये आचार की दुकान। क्यों? अब ये सब खट्टे खाने का लाइसेंस है तेरे पास? अरे खट्टा खाने में लाइसेंस काहे का? मंगलसूत्र पहनने का लाइसेंस। अरे वो तो मैं लेकर आई हूँ, अब जल्दी से लाइसेंस पास कर दे और इसकी मोहर लगा दे, नहीं तो आज। अरे एक मिनट, तू रास्ते में कोई शादीबादी देखी है क्या? हाँ। वो क्या होता है ना कि शादी में पंडित और बारात की सख्त जरूरत होती है। हाँ। तो तू फेरे शुरू कर ले, मैं पंडित बारात को अभी लेके आता हूँ, बस। यू गया, यू आया, ओके। अरे शंकर डड़ी, मैं तो कहता हूँ हरामजादे सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा को गोली मार देते हैं। नहीं 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 बेटा नहीं, तुम्हारे पास जवानी का जोश है और हमारे पास तजुर्बे का होश है। हमने दौलत की आंच पर फौलाद जैसे ईमान को पिघलते देखा है। यह अफसर भी हमारे जूतों को सलामी देने वाला चौकीदार बन ही जाएगा, तुम देखते रहना। आई एश्योर यू दैट। बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। कानून मुजरिम के साथ कभी हाथ नहीं मिलाता, उसके हाथों में हथकड़ियां पहनाता है। ऑफिसर, हम तुम्हारे हाथों में नोटों की लड़ियां पहना देंगे। मुझे खरीदने वाले अपनी जिंदगी के कई साल जेल की सलाखों का नाम कर चुके हैं। ऑफिसर, डैडी की बात मान जाओ, वरना हमने तो तुम्हारे जैसे कई वर्दी वालों को मौत के प्याले पिलाकर चिताओं पर सुला दिया है। उन सब गुनाहों का हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मछली ने कभी मगरमच्छ का शिकार किया है क्या? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। तुम दोनों को गिरफ्तार करने के लिए मैं सही वक्त और मौका ढूंढ रहा हूं, और वो दूर नहीं। उठा दूं डैड। नहीं बेटा, सही वक्त और मौका। आइए सीबीआई ऑफिसर साहब, आइए आइए। कहिए, आज अदालत वालों की कैसे याद आ गई? एडवोकेट शिव प्रताप सिंह, तुम हमारे बहुत पुराने और गहरे दोस्त हो भाई। अगर तुम दोस्ती की गहराई से क्या, दोस्ती के समंदर से भी भाग निकले, और वो भी ऐसे के दोस्ती के साहिल पर भी नजर नहीं आते, बस 24 घंटे हाथ में बंदूक लिए मुजरिमों के पीछे भागते रहते हो। अरे तुम भी तो काला कोट पहने 24 घंटे कानूनी तलवार चलाते रहते हो। अरे भाई, पेट की चक्की चलाने के लिए कानून की तलवार चलानी पड़ती है। शिव, ये वो फाइल है
जिसमें शहर के तमाम नामी ग्रामी गुंडों के कारनामे दर्ज हैं, जो इस देश की बुनियाद को दीमक की तरह खा रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, और मुझे इन कीड़ों का सफाया करना है। मतलब? अगर मुझे कुछ हो गया तो ये फाइल कमिश्नर साहब तक पहुंचा देना। मतलब ये कि तेरी जान खतरे में? खतरा तो है, मगर तू इस फाइल का ख्याल रखना। हमारे बिजनेस के तमाम रास्तों पर निगरानी करने वाला चौकीदार बनकर विजय शर्मा बंदूक लिए बैठा है। सारा ना तो हाथ मिलाता है ना रिश्वत लेता है। जो हाथ रिश्वत ना ले उस हाथ को काट दो, और जो जबान रिश्वत ना खाए उस जबान को दांत समेत उखाड़ दो। लगता है मुझे अपना वही 20 साल पुराना रूप इख्तियार करना पड़ेगा। नहीं डैड, रिलैक्स, कोई ना कोई रास्ता। डैड, जिस तरह इंजन के बगैर कार बेकार होती है, कार को अगर रोकना है तो उसका इंजन निकाल लो, किसी इंसान को अगर रोकना है तो उसका दिल। दिल? हाँ डैड, दिल। हमारा अगला वार विजय शर्मा के दिल पर होगा। तक किरण इतनी देर तक बाहर नहीं रही, आज अचानक ये। भैया, मैंने उसकी तमाम सहेलियों के घर पे फोन करके पूछ लिया है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं है। फिर कहाँ जा सकती है वो? शायद उसी का फोन हो। हेलो, कौन? नाम में क्या रखा है इंस्पेक्टर? काम की बात सुनो। खिलाफ सबूत है लेकर नेशनल पार्क आ जाओ, वरना तुम जानते हो हम तो बहुत कमीने आदमी हैं। वेलकम ऑफिसर, वेलकम। किरण कहाँ है? खुद की जिंदगी का सामान मांगने से पहले हमारी मौत का हथियार तो हमें दे दो, वो बैग हमारे हवाले कर दो। पहले मेरी बेटी मेरे हवाले करो। ओके, बैग वहीं नीचे रख दो और अपनी बेटी की तरफ आ जाओ। देखो, कोई होशियारी नहीं करना। डैडी, डोंट वरी किरण, मैं आ गया हूं। चलो तुम ये रुको। इंस्पेक्टर हाथ में। तारा, बैग खोलो, जल्दी खोलो। हमारे साथ धोखा, धोखा। बाप बेटी को, चलो, जल्दी।
हाथ मिला है। नहीं डैडी, नहीं डैडी, आज मैंने आने में थोड़ी देर कर दी और तुम धोखा दे गए। साहब, जिसने भी तुम्हें इस चिता तक पहुंचाया है, मैं कसम खाता हूं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, विजय शर्मा को खत्म करने वाले हाथों को मैं कंधे से उखाड़ दूंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा सर, जिन्होंने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस मकाम तक पहुंचाया, उनके कातिलों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सर। सर, मैं विश्वराज और उसकी तमाम गैंग को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। नहीं विष्णु, नहीं, यू आर ए सीबीआई ऑफिसर, अपने जज्बात पर काबू रखो। उन लोगों को गिरफ्तार करने का हक तो विजय शर्मा को भी था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो कभी भी गिरफ्तार कर लेते, उनको इंतजार था डबल एक्स का। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो डबल एक्स को गिरफ्तार करो, उसको लाओ समाज और कानून के सामने, उसका खात्मा करो। यस सर। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं विजय शर्मा का दोस्त हूं, सीबीआई ऑफिसर खन्ना। लेकिन भाई साहब, तो जानता हूं, हम सब की आंखों में आंसू छोड़कर वो चले गए, मगर कानून कहां अपने आंसू बहाएगा। हम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर इस शहर के तमाम नामी गिरामी मुजरिमों के खिलाफ सबूत जमा किए थे, मगर अफसोस। लेकिन होने को कौन टाल सकता है भाई साहब। मगर जुर्म को खत्म करने का जो मकसद हम दोनों लेकर चले थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं पूरा करूंगा। बहन जी, मुझे वो बैग दे दीजिए जिसमें हम दोनों ने तमाम सबूत इकट्ठे किए थे। लेकिन ऐसा तो कोई बैग हमारे पास नहीं। बहन जी, उन कागजात का मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपने कुछ ऑफिसर्स को बुलाकर उन कागजात को इस मकान में तलाश करवा सकता हूँ? वैसे मुझे सरकार की तरफ से सर्च वारंट मिल चुका है, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। आप ऑफिसर हैं, कानूनी तौर पर जो चाहे कर सकते हैं। ओ, सीबीआई ऑफिसर। नहीं किरण, ये तुम्हारे डैडी से दुश्मनी रखने वाली कोई गैंग है, जिन्हें डर है कि अगर वो बैग कानून के हाथ लग जाए तो उनके हाथों में हथकड़ी और गले में फांसी का फंदा लग सकता है। क्या? हाँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे डैडी की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं। अब हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हेलो, म्यू माइसेल्फ, आई एम द सीबीआई ऑफिसर, मिस्टर साठे। साठे? यस, मिस्टर साठे। आर यू द मिस्टर पाठे? No, 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 no. I am not Mr. Pathe. I am... Then you must be the Mr. Vate. I am not Vate. Oh, of course, then you must be Mr. Kate. Then you must be the only Mr. Jate. I am not Jate. Not Vate, not Kate, not Jate. Then you are not the CBI officer. You are under the arrest. Arrest? Ladko, dikhao isko karate. Shut up! Come! Go! I am the Marathi and I know the Karate. So how are you, Mr. Nate? I am not Mr. Nate! Abhi nikalta hun tere Karate! Hello, you all must be the two Mr. Matate. Sathe ki tum hai? Police! Bhaga re! Bhaga! अभी मैं 16 बरस की। ओ नो, हम तुम्हारा हाथ में ऐसा नहीं आएगा। क्यों? पहले तुम इधर का क्लब में हमारा डांसर का नौकरी पक्का कर दो। ओ, पहले नौकरी, फिर तुम जो बोलेगा मैं वैसे ही करूंगी। उसके बाद जो बोलूंगा करोगी? ओके, 16 बरस की, फॉलो मी डैडी। यह है मिस जोजो, 16 बरस की।
हमारे होटल में डांसर का काम करना चाहती हैं। बेटे, हमारे धंधे में हम विश्वास पे चलते हैं, ऑन बिलीफ, ट्रस्ट। हम कैसे विश्वास कर लें कि ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी? श्योर, आप इनका इंटरव्यू लीजिए, मैं अभी आता हूँ। डैडी, इट्स योर बेबी, मेरा डैड है। तो फिर ठीक है, एक विश्वासघाती का पता बता ही देती हूँ आपको विश्वास दिलाने के लिए। ये रहा विष्णु, सीबीआई ऑफिसर। शिट, ताज्जुब है, इस इच्छाधारी सांप को हमारी नजर कैसे पहचान ना सके। सर, विश्वराज जी, नजरें तो होती हैं धोखा खाने के लिए। मेरा मतलब है, नजरों को जो नजर आता है वो कभी झूठ भी होता है और कभी सच भी। इस मामूली से पुट्ठे पर चिपकी हुई इस तस्वीर को आपने हकीकत मान लिया है। अभी तो आपने ये पहली तस्वीर देखी है, मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये वैसे ही पुट्ठे पर वैसी तस्वीर मेरी है। प्रकाश, क्राइम ब्रांच, ये सब क्या है विष्णु? नमूने, मेरे दिमाग का कमाल है। और एक पुट्ठा है सर, ये देखिए, वैसे ही पुट्ठे पर वैसी तस्वीर मेरी है। ये भी सर, वो ये है ना कि हम लोगों को पुलिस को बेवकूफ बनाना होता है, हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। Hey, very smart boy. Thank you, sir. सर, ये आप मिस जोजो 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 बाय जोजो बाय सर बाय। विष्णु, जिस शिकार को हम शेर के मुंह में ढूंढ रहे थे वो तो एडवोकेट शिव प्रताप सिंह के कानूनी पंजे में है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब है वो फाइल जो कानून की तलवार बनकर हमारे सर पर लटक रही है और जिसे सीबीआई इंस्पेक्टर विजय कुमार शर्मा टांग गया था, और उस फाइल को पाने के लिए ही तो हमने विजय कुमार शर्मा को रास्ते से हटा दिया। मगर तुम हमारा वो हथियार हो जो जिस काम पर जाता है कामयाब होकर आता है। बागवान को अपनी कश्ती पर पूरा यकीन होता है क्योंकि उसे आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं होता। क्या मतलब? मतलब मेरी इस नाकामी पर आपका यह अनमोल विश्वास टूट भी तो सकता है। टूटने वाला शीशा होता है, फौलाद नहीं। मुझे करना क्या होगा? काम, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह की तिजोरी से वो फाइल और डॉक्यूमेंट छुड़ाने हैं ताकि कानून जब भी हमारी चौखट पर आए तो किसी भूखे भिखारी की तरह दम तोड़ दे। मगर मैं ये यकीन कैसे कर लूं कि विजय शर्मा ने वो तमाम फाइल्स एडवोकेट शिव प्रताप सिंह के पास ही रखी हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं और बाकी एडवोकेट की तिजोरी कहेगी। मगर ये काम तो बहुत जोखिम का है। कल सुबह के सूरज के साथ एडवोकेट शिव प्रताप सिंह के घर हमारी पिस्तौल की गोलियां बोलेंगी। उसके खानदान की लाश पर चलते हुए हम वो फाइल लाएंगे। नहीं नहीं, विष्णु के होते हुए आप ये तकलीफ क्यों करेंगे? मैं जाऊंगा वहां। उसी के घर में चोरी जो चला था कोर्ट कचहरी। तू कौन सा साहूकार है? चल मेरे रास्ते से हट, चोर बाजार की औलाद। अरे जब शंकर रास्ते में आता तो रास्ता ही मुड़ जाता है। ए, तेरी पहाड़ की तो। बाबूजी, मां, इस घर में? ओए टिंडे, देखता हूं ये फाइल यहां से कैसे ले जाता तू। ये क्या हो रहा है शंकर, तुम इतनी रात गए यहाँ? कौन है ये? साहब, ताबड़तोड़ पुलिस बुलाकर इसे अंदर करवा दीजिए। देखो आपकी कितनी खास फाइल चुरा कर ले जा रहा था। क्यों भाई चोरी हमारे घर में? बाबूजी, आज अनजाने में मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया, माफ कर दीजिए बाबू। अरे वाह बाबूजी, नया पैंतरा लगा रखा। दूंगा,
साहब इसे दो हाथ लगा ही दीजिए। पैंतरा तो तकदीर ने मेरे साथ मारा है, और वो भी ऐसा। कौन हो तुम? बाबूजी, अपने मुन्ना को पहचानिए बाबूजी। मुन्ना? तो मेरा मुन्ना है? हाँ माँ, वही मुन्ना जो बचपन में तुमसे बिछड़ गया था। ये देखिए माँ, इस लॉकेट को पहचानिए माँ, ये आप ही ने मुझे बचपन में दिया था, इसी की वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। मुन्ना, मेरा मुन्ना, मेरे बच्चे, इतने सालों से तो कहाँ था मेरे बेटे? सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा की दया और एहसान के सहारे जी रहा था मैं। विजय शर्मा, पिछले 3 साल से तो मैं उनका खास वकील हूँ, लेकिन उन्होंने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। उन्होंने मुझे अपना खुद का बेटा समझकर बड़े लाड़ प्यार से पाला, दुनिया की नजरों से छुपाए रखा ताकि वो मुझे एक सीबीआई ऑफिसर की ट्रेनिंग दे सके। उन्होंने मुझे एक सीबीआई ऑफिसर बना दिया। उनका मिशन था कि मैं एक खतरनाक गुंडे के रूप में जाऊं और विश्वराज की बुनियाद को अंदर ही अंदर खोखला कर दूं, उसके तमाम रास्तों को बंद कर दूं। अब उन दरिंदों को कानून के फंदे तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। विजय शर्मा ने तो मरकर भी कभी ना मिटने वाला एहसान किया है मुझ पर। अरे अफसर साहब, आप उनको माफ कर देना है। अरे नहीं, माफी तो गलती पर मांगी जाती है। तुमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहां आने वाला हूं? विजय शर्मा की बेटी से, वो उस क्लब में डांसर का काम करती है। किरण? किरण गुंडों के क्लब में एक डांसर का काम करती है? हाँ, उसने अपने बाप। साहब, ये आपको कहां से मिले? जहां से गीता मिली थी। ये तो गीता की अमानत है जो बचपन से उसके साथ है। गीता आपको कहां मिली? शिवजी के मंदिर में। यानी गीता आपकी बेटी नहीं? हाँ बेटे। गीता मेरी खोई हुई मुन्नी है, मेरी बचपन की खोई हुई मुन्नी, मेरी बहन है गीता। भैया। मुन्नी, पहचाना मुझे? मैं तेरा शंकर, तेरा भाई। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी बारगाह में की हुई मेरी दुआ कबूल हो गई। तू बड़ा मुसब्बिल वसवाब है परवरदिगार, तेरा शुक्र है। बाबा अब है, इंशाल्लाह कल तेरी माँ भी मिल जाएगी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। किलर साहब। विष्णु, तुम? जी। शारदा देवी तो चली गई? चली गई? हाँ। कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरे खा रही होगी। विष्णु, विष्णु, विष्णु मेरे बेटे, मुझे मुझे मीनाक्षी से कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता बेटे, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंदर आ जाओ। बेटे, ये क्या, ये तेरा घर है? नहीं माँ, घर कहाँ, घर तो वो होता है जिसमें माँ बाप होते हैं, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? क्यों, क्या हुआ तेरी किस्मत को? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, इतने सालों से तू नहीं थी ना, इसीलिए। अब सब ठीक हो जाएगा। आ माँ, मैं तुझे इस घर के बारे में सब कुछ बताता हूँ। माँ, इधर दाहिनी तरफ है घर का रसोई घर, इस तरफ मंदिर, और ये है घर का हॉल। अरे तेरा घर तो बहुत सुंदर है रे। मगर माँ, तुझे ये कैसे पता चला? शरीर पर लगे आंखों में रोशनी नहीं, मगर मगर मन की आंखों से तो मैं तेरा हंसता खेलता संसार देख सकती हूँ। कहाँ है मेरी प्रिया? प्रिया? माँ, तुझे तो उसका नाम तक याद है। हाँ? अपनी होने वाली बहू का नाम भी भला कोई माँ भूल सकती है? अच्छा माँ, तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा तू। मैं अभी जाकर घर में खाना पकाने का सामान और खाना
खाना पकाने वाली दोनों को लेकर आता हूँ, ठीक है? भई यू गया और यू आया। शंकर, शंकर। अरे मर गए। शंकर, कल बस्ती में जश्न मनाया, धूम मचाया और मुझे याद तक नहीं किया। अपनी बहन की कसम, तीन बार तेरे घर गया, तेरा कोई पता ही नहीं। तो मुझे ढूंढकर बुलाया क्यों नहीं? तुझे तेरी बहन मिली, इतनी बड़ी खुशी मिली, और इस खुशी में मेरा कोई हिस्सा नहीं? मेरी हर खुशी में तेरा हिस्सा है, मेरी जिंदगी में तेरा हिस्सा है, मेरी बहन की जिंदगी में भी तेरा हिस्सा है। कहाँ है तेरी बहन? सबसे पहले तो मुझसे ही मिलवाना चाहिए था। अरे सबसे पहले तो मैं उसे तेरे यहाँ ही ले गया था, तू थी नहीं, तो फिर मैं बस्ती में ले आया, बाबा से मिला। लेकिन रात को तू थी का? तुम तो जानते हो शंकर, मुझे मेरे पिता के कातिल की तलाश है। किरण, मकसद तो मेरा भी यही है, जब तक मैं उनके कातिलों का पता नहीं लगा लूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। शंकर। विष्णु। कौन? मैं हूं। कौन है? शिवराम, शिवराम, मेरी जिंदगी में जहर खोलने वाली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे पति की हत्या, मेरा सुहाग उजाड़ने वाली, मैं जान से मार डालूंगी, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। शिवराम, शिवराम। माँ, माँ, क्या हो तुझे? माँ, विष्णु, शिवराम, शिवराम आया था। कौन शिवराम? माँ, मेरे 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 पति का खूनी, मेरे मेरे संसार को उजाड़ने वाला। तू फिक्र मत कर, उस कमीने को मैं ढूंढ कर ऐसी सजा दूंगा कि उस सजा के नाम से मौत तक कांप उठेगी। कहाँ जा रही हो बेटी? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। दोस्त? वही दोस्त? बेटी तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है, अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है तुम्हें। मैं समझी नहीं दादी। मैं समझाता हूँ, तुम जिससे मिलने जा रही हो ना, वो एक खूनी है, बदमाश है। ये क्या कह रहे हैं दादी? मैं सही कह रहा हूँ, वो जो तुम्हारा विष्णु है ना, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो एक खूनी है, बदमाश है, चोर है, एक पेशावर मुजरिम है वो। बेटी तुम्हें कैसे आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहती हो? ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो जाओ और जाकर अपने प्यार की कसम देकर उसे पूछो कि वो कौन है, उसकी असलियत क्या है। उसके बाद तुम उससे उतनी नफरत करोगी जितनी एक इंसान एक सांप से करता है। ओ प्रिया, मैं तो कल शाम से ही तुम्हें याद कर रहा था। और मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे यही तो प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को याद करते रहे और सारा जमाना हमें याद करता रहे। मगर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। अच्छा, मगर सजा तो कसूर की होती है ना? हाँ, कसूर तो एक बार माफ भी कर दिया जाता है, मगर पाप और जुर्म ना तो धर्म माफ करता है, ना समाज और ना ही कानून। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, जुर्म भी बता दीजिए। सारे देश के दुश्मन हो तुम। क्या? गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, स्मगलिंग, बोलो क्या तुम्हारा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है? हाँ, मैं वही हूँ जो तुम समझ रही हो, मगर वो नहीं हो जो तुम सोच रही हो। और तुम्हें मुझे उलझाने की कोशिश मत करो विष्णु, मैंने तो एक इंसान से प्यार किया था, एक मुजरिम से नहीं, मगर तुम तो, डैडी ने सच कहा था तुम्हारे बारे में। डैडी ने? तुम्हारे डैडी ने? हाँ, उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारी असलियत बताई है। क्या? मैंने तुम्हारे प्यार के साथ साथ क्या क्या सपने सजाए थे, क्या क्या सोच के रखा था, कितना विश्वास किया था तुम पर, लेकिन तुमने तो बीच भावर में लाकर छोड़ दिया है मुझे। जिसे सोना समझा था वो लोहा निकला। प्रिया तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो सही क्या है, सच्चाई क्या है, बता दे क्यों नहीं हो? जानना चाहती हो मेरी सच्चाई, मेरी असलियत? मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और तुम्हारे डैडी के गैंग में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि तुम्हारे डैडी कई अरसे से स्मगलिंग का बिजनेस करते आ रहे हैं और उन्हें जेल के पीछे पहुंचाना मेरा फर्ज है। दरअसल प्रिया, तुम्हारे डैडी सबसे बड़े गुनहगार हैं, एक देशद्रोही स्मगलर जो कानून की आंखों में धूल झोंक कर पैसे कमाने वाला एक पेशेवर मुजरिम है।
मगर प्रिया, अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विष्णु, आपकी आंखों की रोशनी फिर से लौट सकती है। सुना तुमने मैं? गीता ने क्या कहा? मेरा विश्वास सही निकला, तुम फिर से इस दुनिया के उजाले को देख सकोगी। जिस माँ को तुझ जैसा बेटा मिल जाए, वो तो बिना आंखों से ही सारा संसार देख लेती है। सारा संसार देखने के लिए आपको अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना होगा। गीता बहन, तुम खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत करो, बस ऑपरेशन की तैयारी करो प्लीज। नहीं विष्णु भैया, मैंने तो आंखों की सर्जरी का इम्तिहान अभी अभी पास किया है, मुझे इतना तजुर्बा नहीं। माँ जी की आंखों का ऑपरेशन तो किसी स्पेशलाइज्ड सर्जन से करवाना होगा। गीता बहन, स्पेशलाइज्ड सर्जन का मतलब होता है स्पेशल तरीके से आंखों का इलाज करने वाला, ठीक है? अरे जब तुम मुझे विष्णु भैया और मैं तुम्हें गीता बहन कहता हूँ, तो उस रिश्ते से तुम मेरी स्पेशल बहन हुई क्या नहीं, बोलो? और माँ जी की बेटी, और एक माँ की आंखों का इलाज एक बेटी से ज्यादा स्पेशल तरीके से दुनिया का और कौन सा डॉक्टर कर सकता है? मगर भैया, देखो गीता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, माँ की आंखों का ऑपरेशन तुम ही करोगी। नहीं, उस बुढ़िया की आंखों में रोशनी नहीं आनी चाहिए, वरना हम सब अंधेरों में डूब जाएंगे। विष्णु के हाथों हम सब या तो जेल के अंधेरों में होंगे या फिर मौत के। नहीं डैडी, इस बेटे के होते हुए आपकी दुनिया में मौत तो क्या, रात भी अंधेरा करने से घबराएगी। शाबाश, तो जाओ और रोक दो उस ऑपरेशन को। नहीं, ऑपरेशन तो होगा मगर अधूरा। मशीनें चल रही होंगी, बुढ़िया की आंखें कटी हुई होंगी, डॉक्टरों की उंगलियां खून में डूबी हुई होंगी और अचानक मेन लाइट। स्विच कौन सा है जिसका ऑपरेशन थिएटर से कनेक्शन है? मुझे नहीं मालूम। बोल, हटा। वो सात नंबर। सात नंबर। तू क्या है बे? तुम तीन जोकरों के लिए तो मैंने म्युनिसिपल हॉस्पिटल में खटिया बुक कर दी, लेकिन तेरे लिए नानावती हॉस्पिटल में गर्भवती वार्ड हो जाए। मारो साले को।
जल्दी आइए इस तरफ, जल्दी सामने, जल्दी नहीं तो वो मेरे देगा। अब देखिए वो सामने, कुछ गुंडे मेरी बहन के हाथों होने वाले ऑपरेशन को बिजली का मेन स्विच ऑफ करके नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें नाकाम कर दिया। आओ, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। शंकर भैया, अगर वो गुंडे लाइट का मेन स्विच ऑफ करने में कामयाब हो जाते तो मैं विष्णु भैया को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। क्यों? क्योंकि जिस पेशेंट का मैंने पहला ऑपरेशन किया ना, वो विष्णु भैया की माँ है। विष्णु की माँ? हाँ भैया। बहना, माँ की आंखों की पट्टी कब खुलेगी? माँ जी, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। विष्णु, मेरे बेटे, तूने तो वाकई एक बेटा होने का हक निभा दिया रे। नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया इसने किया, इसी ने तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन किया है। आओ आओ मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। माँ रो मत, ये तो खुशी के आंसू है, गम के आंसू बहुत बहाए, इन्हें बहने दो। कौन हो तुम, रो क्यों रहे हो? माँ को रोता देखकर बेटे की आंखों में भी आंसू तो आ ही जाएंगे ना माँ। अरे माँ, ये मेरा दोस्त है शंकर। शंकर? नहीं माँ, शंकर नहीं, मैं तेरा बचपन का गुड्डू हूँ, जो वक्त और हालात के तूफान में तुझसे बिछड़ गया था। क्या? और ये जो तेरे पास बैठी है ना, ये तेरी गुड़िया है, जिसे तू शरारत की पुड़िया कहती थी। क्या? क्या तुम मेरे सचमुच वही गुड़िया और गुड्डू हो? क्या तुम मेरे शंकर और गीता हो? शुक्रिया। विष्णु उस बुढ़िया का बेटा है, ये परेशानी मुझे खाई जा रही है। अगर उस बुढ़िया ने विष्णु को हमारे बारे में बता दिया तो विष्णु हमें बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की नस नस में घुस चुका है। रिलैक्स डैडी, मैंने आपकी परेशानियों की नसों में घुसकर बीमारी भी समझ ली है और उसका इलाज भी। दरअसल मर्ज वो नहीं है डैडी जो आप समझ रहे हैं। बेटे तू क्या कह रहा है, मैं कुछ समझा नहीं। असल में वो बुढ़िया विष्णु की माँ है ही नहीं। तो फिर किसकी माँ है? शंकर की। शंकर की माँ? बड़ा ही प्यारा रास्ता चुना है मैंने, कांटों से भरा हुआ, जिसमें हमारे दुश्मनों को उलझना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। शाबाश बेटे, कभी कभी सोचता हूँ कि तेरी माँ ने तुझे क्या खा के पैदा किया था। क्या हुआ माँ? मैंने दुश्मन को पहचान लिया है बेटे। दुश्मन को? कौन दुश्मन? ये है वो दुश्मन, हमारी तकदीरों का दुश्मन। ओफो माँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तो विश्वराज है। नहीं बेटे, ये वो राक्षस है जिसने तुझे अनाथ, मुझे विधवा और हमारे घर को तबाह किया था। ये तू क्या कह रही है माँ? हाँ बेटे, यही तेरे पिता का कातिल भी है। तेरे पिता का खून करके इल्जाम मेरे सर पर थोप कर मुझे 14 साल की सजा दिलवाने वाला मुजरिम है ये गुनहगार है। माँ, अगर उसने हमारी जिंदगी में इस तरह चिंगारियां भी की है, तो मैं उन्हीं चिंगारियों को हवा देकर उसकी चिता की अग्नि बना दूंगा। विश्वराज,
विश्वराज। विश्वराज, 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 शंकर वो फाइल तुम्हारे पास है और तुम्हारी महबूबा अरमा हमारे पास। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। डबल एक्स, डबल एक्स, वेलकम डबल एक्स, वेलकम टू इंडिया। मगर आप इस तरह अचानक यहाँ? अरे डबल एक्स, आप तो 27 तारीख को आने वाले थे, आज तो 25 तारीख है। 27 तारीख को खतरा पैदा हो गया। खतरा? इसलिए उसे मिटाने के लिए हम आज यानी दो दिन पहले 25 तारीख को ही आ गए। कैसा खतरा? ये फाइल तो बैग। ये वही? ये वही फाइल है जो सीबीआई ऑफिसर विजय शर्मा ने तुम लोगों के खिलाफ तैयार की थी, और इस फाइल में तुम्हारे फांसी के फंदे की रस्सियां छुपी हुई हैं। मगर ये फाइल आपके पास कैसे आई? हमारा नाम डबल एक्स है, डबल एक्स, जो सोता भी है तो आंखें खोल के। ये फाइल उस ओरिजिनल फाइल की जेरोक्स कॉपी है। असली फाइल सीबीआई के हाथ में है जिसकी तुम्हें तलाश है। 27 तारीख को हम कहां आने वाले थे ये खबर तुम्हारे ग्रुप के किसी गद्दार ने सीबीआई को दे दी। खैर, ये तो आप सब जानते ही हैं कि साल में एक बार हम अपना हिसाब किताब करने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। मगर डबल एक्स, इस साल हमें बहुत बहुत नुकसान हुए हैं। फायदे और नुकसान का हिसाब भी हम वक्त आने पर कर लेंगे। ए, कौन है ये लोग, किनको पकड़ के लाए उधर? अच्छा, तो नाच गाने का इंतजाम भी किया है आपने? नहीं नहीं, श्रीदेवी। हाँ, ये तो एकदम नगीना की श्रीदेवी लगती है। मैं तो फ्री देवी हूँ। फ्री देवी? हरी हरी आंखों वाली, तूने तो मेरा दिल हरा कर दिया है। टाइम आएगा तो काला पीला भी कर दूंगी। शट अप, कौन हो तुम लोग? अरे ये कोई पूछने की बात है, हम सब बन जा रहे हैं ये भी। अरे दैया, अरे दैया, बाबूजी हमें सपेरे यहाँ सांप पकड़ने आए थे, ये खोदे हमें पकड़ के लाए, खसमों खाने मर जाने। हम लोग सांप पकड़े हैं, पीछे हैं, भीड़ बजावे हैं, खेल दिखावे हैं, नाच भी दिखावे हैं। ये भी ठीक रहेगा, जब तक शंकर और विष्णु असली फाइल लेकर आते हैं, क्यों ना इन दोनों को नाचने और गाने दिया जाए। राइट सन, राइट, नाचो। ऐसा कैसा नाचो? पहले फ्री देवी को तो मना लूं। फ्री देवी, हम लोग नाच दिखावे। डबल एक्स, तुम? ये कौन है? हैरान होकर क्यों देख रहा है विश्वराज? हम डबल एक्स हैं। डैड, अगर ये डबल एक्स है तो ये साला कौन सा एक्स है? हमारे ग्रुप में थे, किसी गद्दार ने सीबीआई को खबर कर दी, इसलिए हमें दो दिन पहले आना पड़ा। वाह, तो ये हमारा कोई बहरूपिया है? हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई ट्रिपल एक्स यानी एडवोकेट शिव प्रताप सिंह, तुम सबकी गिरफ्तारी का वारंट। ये हमारा जाल था विश्वराज, तुम्हें फंसाने के लिए। ये हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक साजिश थी मिस्टर डबल एक्स, सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए। यू आर अंडर अरेस्ट।
अब मैं देखता हूं कि तुम दोनों को कौन बचाता है। प्रिया तुम? प्रिया पागल हो गई हो तुम? खबर आ चुके बड़े भैया, मैं तो डैडी को शूट कर दूंगी। प्रिया अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। क्या? मैं कहती हूं अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें। फेंक दो बंदूकें। लेकिन बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, ऐसे बाप का तो ना होना ही अच्छा है। मत कहो मुझे बेटी। ईश्वराज आज तू जिधर चाहे भाग, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज से 18 साल पहले ऐसे ही कुल्हाड़ी से तेरे बाप को ऊपर पहुंचाया था, आज तेरी बारी है। ओ